पॉलिसी कथा करंट पॉलिसी बाबत किसी डिस्कशन कर तुम मैंने तो भीतर आसवा दरकार व्हाई वी नीड फॉरेन पॉलिसी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग फॉरेन पॉलिसी ए बी साइलेंट कौन पाई हमें फॉरेन पॉलिसी फर्स्ट पढ़ुचु गोटे कंट्री रो गोटे कंट्री सहित किसी ना किसी रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करने जो रिलेशनशिप बूस्ट कर फाइनेंशियल रिलेशन ट्रेड रिलेशन इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी एपिटोमाइजेशन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशंस प्रत्येक देख कंट्री आम इंडिया रही इंडिया सहित पार्टीशन बाउंड्री तार पाकिस्तान इंडिया सहित अफगानिस्तान इंडिया सहित श्रीलंकार इंग्लैंड सहित बांग्लादेश प्रत्येक कंट्री रोटे सेपरेटिंग बाउंड्री अच्छे से बाउंड्री गोटे गोटे नाम रही तेरे से गुडा बर्तमान तुम लिमिटेशन को टाइम भितर कवरअप करने कोर्स फॉरेन पॉलिसी जो पढ़ा स्ट्राटेजिकली इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप प्रकृत हर्डल कोड रही रिलेटिंग टू द बाउंड्री कोड दैट इज हर्डल आउ गोटे इश्यू हूँ टॉपमोस्ट इश्यू रिलेटिंग टू काश्मीर प्रॉब्लम से जहाँ भी प्रॉब्लम था इंडिया फॉरेन पॉलिसी हमको चैप्टर कौन इंडियन आउ विशेष कर पाकिस्तान भितर कौन एजुकेटिंग मूड व्हाट आर द कॉजेस रिलेटिंग टू इट पढ़ू इट इज रिलेटिंग टू ब्यूरो एंड आस्क मी रिलेटिंग टू फॉरेन पॉलिसी इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप इंडिया पाकिस्तान के जो बाउंड्री लाइन है कौन कहते इंडिया पाकिस्तान रेड क्लियर लाइन रहला इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना हला मैकमोहन लाइन इंडिया श्रीलंका पक्स बेल्ट इंडिया अफगानिस्तान डूरंड लाइन इंडिया श्रीलंका पॉक स्ट्रेट तेनालीराम पे देखा जो डिस्कशन फॉरेन पॉलिसी रिलेशन इंडिया एंड पाकिस्तान आर द टू लार्ज कंट्रीज स्टार्टिंग भी पलि गली पे कौन अजान छाड़ी मोर मन ना कौ जाए जा पे 168 आरंभ हम पाकिस्तानी पोजिशन काश्मीर टू निशन पूरी पड़ जाए Pakistan argues that Kashmir is predominantly a Muslim populated state. But a Muslim populated state and according to two nation theory, its natural place is in Pakistan. It further says that all three major rivers of Pakistan, Indus, Zelot and Chenab, originate in Kashmir. So, health of Pakistan's agriculture depends on Kashmir. Being a part of Pakistan, India counter Pakistan argument by saying that it never accepted Jinnah's two nation theory. Moreover, there are Muslims living in independent India than in Pakistan. India decided to refer the Kashmir question to the Security Council of the UN in 1948. It requested the Security Council to ask Pakistan government to resolve out the difficulties. Pakistan demanded that Kashmir accession to India was illegal. The resolution affirmed the right of the Indian army to defend the state. The Security Council resolution could not be implemented because both India and Pakistan had to comply to their conditions. पहले देखिए यार, जितने बड़े कौन से प्रकार पार्टीशन करा हुए, से पार्टीशन में कौन से प्रकार जाने सोल अथॉरिटी रही जाए, से अथॉरिटी ने कौन करे, अंडर करे ये, जब वो पार्टीशन कर ले, तो हमें थोड़ा जो तमो फैमिली कंडीशन को देखा, तमो फैमिली रे जैसे कौन से प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए उसे, तमो पेरेंट्स अथवा तुम्हारे जो अथॉरिटेरियन हेड्स यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं Among the boys and the girls, between the boy and a girl. कौन पाए? Not to be any type of imbalance or troublesome activities or dilemma. कौन सी प्रकार के दी problem जब भी create ना होगा? जब इंडिया पाकिस्तान की तरह जब partition करा गला पिले, Britisher मैंने देखो दिले दो ही जोन लोगों को सच्चे बड़े दो ही जोन का ideology की. बटे पड़े दिले कि मोहम्मद अली जी ना, आल बटे पड़े दिले जवाहरलाल नेहरू. से देखा है ले, सच्चे बड़े जब बड़े पढ़ा गला ना को opinion निया गला. मोहम्मद अली जी ना कहले ये गोटे प्रकार प्रपोजल दैट इज नोन एज टू नेशन थ्योरी दुटा ही नेशन रहा गोटे रहा इंडिया और पाकिस्तान और काश्मीर का जो रही रहा अंडर में पाकिस्तान अंडर में कारण कौन से आर्गुमेंट शो कले पाकिस्तान में अलरेडी रही कौन ना तीन टा नदी इंडस झेलम चेना से कौन अरिजिनेटी काश्मीर काश्मीर का रहा क्या सपटे क्या फलरे विदिन द टेरिटोरी दैट इज पाकिस्तान टेरिटोरी भर रही से आर्गुमेंट करते किंतु इंडियन मान ताको काउंटर पेड कर दिले कोन पई ना जते बेले कहले जे मुस्लिम माने पॉपुलेशन भी बहुत अछि इंडिया रे इवन पाकिस्तान ओके या अधिक अछि इंडिया रे मुस्लिम तो
इंडिया मुस्लिम मानते सिंक्रोनिटी जबरदस्त पाकिस्तान को लेदबुनी जदि किसी पर्सन मुस्लिम मैंने अच्छा इंडिया मैक्सिमम पर्सन तेनाली से मुस्लिम मैंने रोचे तेणु काश्मीर मुस्लिम मैंने इंडिया जिन कले कौन असुविधा अच्छे से आर्गुमेंट देखे कौटे यूएन सिक्यूरिटी काउनसिल पाकिस्तान मिलिटेंट्स काश्मीर राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन प्लेबिसाइट इन अकॉर्डेंस विद एयर इंडियन स्टेटमेंट एंड यूएन रेजोल्यूशन इंडिया ऑन द अदर हैंड असर्ट दैट महाराजास डिसीजन व्हिच वाज द नॉर्म फॉर एवरी अदर प्रिंसिपल स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस and subsequent elections for over 40 years on kashmir has made it an integral part of india thus status of kashmir has become controversial so kashmir is the bone of contention between india and pakistan what happens to be what is the regime jete bele pakistan mane demand kale e kashmir ta amar rahibo jete bele un re se mane show up kale bada plebiscite hau ote referendum hau lok manan ko bhitare bada voting behavior asu whether you like to stay in india or in kashmir or in pakistan kintu dine hi samay asba bole ame ebe bi seta prediction karibani ete bale agitating mood hoba bartman jo chalti gaza strip re israel jerusalem bitre fighting chalichi semane modhe demand korchanti india modhe demand korchi palestine modhe separate state kethi mastermind roichi narendra modi kore se jo destabilization korichanti article 70 abolition korichanti actually that is page of the je ame constitutional landmark re dekhi asila जदि गोटे स्टेट को हमें सेपरेट स्टेट दे देबा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दे देबा सेपरेट सुप्रीम कोर्ट दे देबा सेपरेट लॉ एंड ऑर्डर दे दे करबा उनी काही के अलग न करी देबो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रा प्रिंसिपल बीजेपी रा प्रिंसिपल बीजेपी इनिशिएशन रा प्रिंसिपल करची यूनिवर्सल सिविल कोड जोटा भी रहइबो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिवर्सल लॉ एंड एप्लीकेशन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक सुप्रीम कोर्ट जोटा के बीजेपी गवर्नमेंट कंप्लीट कर पाए अबोलिशन आर्टिकल 370 ताको अबोलिशन कहले कण कहे आम देखा जब प्लेबिसाइड होता लोक मित्र भोटिंग होता काश्मीर इंडिया पाकिस्तान काश्मीर लोक मैंने देखा पाकिस्तान मास्टर माइंड रही कह रिशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू जो मैंने जानले प्रोटेक्शन रही जी अथरीटेरियन हेड सुप्रीम अथरीटे किए ना महाराजा महाराजा का ना था कौन हरी सिंह सीए चाहिए जे एग्रीमेंट करिवे टू बी सेटल्ड इन इंडिया टू बी सेटल्ड इन इंडिया इंडिया रे रहिया पाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राउंड इट वाज ग्रांटेड काश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स कोई देखा दस द स्टेटस ऑफ काश्मीर हैज बिकम कंट्रोवर्शियल ड्यू टू ऑल सच पॉलिटिकल डिफरेंसेस दिस डिस्प्यूट हैज आल्सो बीन सब्जेक्ट ऑफ वॉर्स बिटवीन टू कंट्रीज in 1947 and in 1965 and a limited conflict in 1999 tenu ei issue ko base kari 1947 bitare 1965 re 1999 re kichna kichi conflicting issue aschi the state and province remains divided between the two countries by loc loc which demarcates the ceasefire line agreed in the conflict of 1947 india and pakistan Two nations united by history but divided by destiny has traveled a long way in an attempt to bring peace to the highly volatile region. When the issue was referred to the United Nations, Pakistan should emerge as a critical factor in India's relation with the US and subsequently with China. देखो बिले, British सरकार का ruling समय रे जितने बड़ा factor रहिला, सबू बड़ा conflicting issue रही थी. India का border Pakistan इंडिया रा बॉर्डर को जेते में देखिबो ऑलरेडी हमर रिलेटिव टू बांग्लादेश जो जगह रे ब्रिटिश रा बांग्लादेश ता हला 1971 रे कि ब्रिटिश रा माने जेटा डेजिग्नेट कर चंदे डिवाइड कर चंदे इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल इन द सेंस देखिनियो 1947 रे जो वार हला इंडिया पाकिस्तान भीतर जेते के पोर्शन पाकिस्तान माने आगे आसी दिबे सेई तो कोन कहले सिक्स फेयर डिक्लेअर हेला सिक्स फेयर डिक्लेअर हेला परे परे से जो पोजीशन दर रही गेला कोन रहला कि ओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पीओ केटा वर्तमान ना इंडिया रही करछ ना पाकिस्तान रही करछ पीओ कर आदिवासी कहउछ हम दरकार पड़ले जतो इंडिया से तो मर्ज करिजु कारण हम डिमांड फुलफिलमेंट होनी पाकिस्तान मध्य ताको कोन करछ गोटे स्टेप मदरली एक्टिविटीज रे शो करछ ताको साधकमा भली देखुछ पीओ पर जते भारला तार रिसोर्सेस पुरा का पाकिस्तान रे जते पुरा का सब प्रोडक्टिव रिसोर्सेस अछि पीओ के रे ताको यूटिलाइज करछ के पाकिस्तान कि पाकिस्तान रे पीओ का डेवलपमेंटल पर्पस के केबे भी तीन मास पर बहुत तीन मास पर रिवोल्यूशन हेतला बहुत बड़ रिवोल्यूशन
पाकिस्तान को एजुकेटिंग गुड रास्ता पे पूरा लोग पढ़े आते ले वी वांट दैट द कारगिल वी वांट दैट अगर स्टेट वी वांट दैट द वागा स्टेट्स मस्ट बी द गेट मस्ट बी ओपन तो इंडिया पाकिस्तान भीतर गदी भी कौन सी रिजोल्यूट अछि बहुत लोग भी कहउछन सीनियर अफसर मन अछि आर्मी चीफ जे दिने पीओके आपे आपे इंडिया रे मिसि जियो कारण कोन ऑलरेडी भाबिनियो पिले 45% रहला कोन पाकिस्तान रे हमर 55 रहला कोन इंडिया रे से जो 45 और 55 से माने होछि सफर they are not living in psychological peace psychologically se mane peace re no se mane jao jodi dine bi educating mood ka asibe jete bele cluster hobo jete bele number 1 kon se gota asibo philosophical change jete bele se mane madhyam re separate spectrum demand ko kali pile apan dekhiniyo a more serious armed conflict between the two countries began in 1965 lal bahadur shastri was then the prime minister in april 1965 pakistan launched armed attacks in गुजरात हमर रान ऑफ कुछ लास्ट को छे इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक्स इन रान ऑफ कुछ एरिया ऑफ गुजरात दिस वाज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर पाकिस्तानी रूलर्स आर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन देयर बट इट डिड नॉट हैपन पाकिस्तान सब बड़े चाहू छे जे लोकल पॉपुलेशन को कांदे रे बंदी कर के फाइटिंग कर को इंडिया सहित बट इट इज नॉट हैपनिंग देयर इन ऑर्डर टू ईज द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट Shastri ordered Indian troops to launch a counter offensive on the Punjab border. In a fierce battle, the Indian army reached close to Lahore. Lahore, after that, they launched the Indian army. It was legendary. Again, in order to ease, what is the meaning? In order to ease the pressure on Kashmir front, अने pressurize करिया. Ease माने बड़े बोझल लगी दबा. ईज माने कमैबा बदल लदी दबा हमरा विशेष करी जे इमानसिपेट करबा ओके जते बेले भाबिनियो मु भाई भी वॉरलाइक सिचुएशन हमरा राजस्थान बॉर्डर रे कोन लागिला वॉर चली छै आर्मी टूर बचै छै पाकिस्तान रो इंडिया रो इंडिया वाला कोन गेले ना ओके वॉरलाइक सिचुएशन कर देले पंजाब बॉर्डर रे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान रो मन हबो जो पावर रे से फोकस कर छै इंडिया पर टिके इमानस कडा बने कमी जु बने फोकस ता कमी बने पड़िबो कमी जु कारण ईज माने कोन की एक्चुअली ईज मींस होची कोन इजी और सिंपल आउ किते सरल होई जीव कोमल होई जीव फ्लेक्सिबल होई जीव जानि पजन नै तमरा कोनसी गुटे प्रॉब्लम अराइज करची रिलेटिंग टू योर फैमिली इशू सेते बेले कोनसी गुटे लोक कोन करबो आउ गुटे प्रेशराइज को कर दबो सेटा बडी बडी चली किंतु तमरा जदि कोनसी फैमिली इशू प्रॉब्लम अछि तमरा सेते बेले कोन करबो तमो फैमिली भीतर गुटे की हाईस्ट अचीवमेंट पाइबो तमो पेशेंट के रिलैक्स होबो नै अचीवमेंट पाइले तो माने रखो इन ऑर्डर टू रिलीज द सिचुएशन मींस इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई द सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिलैक्स द सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिलैक्स द सिचुएशन व्हाट हैपेंड ठीक ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर अगस्त सितंबर पाकिस्तान ने ओके लालबहादुर शास्त्री को दिन बट इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू ईज द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट Shastri ordered Indian troops to launch a counter offensive on the Punjab border in a fierce battle the Indian army reached close to Lahore ek border se Gujarat ko madi asila bale Gujarat border re support re jake Indian force ko mulne Lahore re to automatic se mane pasinda debe na nahi ekar jo power thala tike man se kabhi bana nahi removal ho bana nahi so the hostilities came to an end with the UN intervention United Nations Later, Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan's General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement. Tashkent Agreement, our general basically, they call Lal Bahadur Shastri and counterpart dile ke Pakistan General, Army General dile Ayub Khan signed kar dile kona the Tashkent Agreement, brokered by the Soviet Union. Ebang seki madhyasthata ke kar dila Soviet Union in January 1966. Tashkent Agreement ke bhi dila 1966. Though India could not inflict considerable military loss on Pakistan, the 1965 war added to India's already difficult situation. ये जो war like situation है ना निश्चित रूप से कोड़ी का कहाँ पर है pressure?
बांग्लादेश वार ऑफ 1970 बिगनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट जुल्फिकार अली भुट्टोस पार्टी अमंगस्ट द विनर्स इन वेस्ट पाकिस्तान फाइल द आवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान स्वेप्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैज वोटेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजंस बाय द रूलर्स बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट और वे आर जस्ट रेडी टू एक्सेप्ट आवामी डिमांड फॉर फेडरेशन देखो बिले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अछि इंडिया जो शासन चल छि डेमोक्रेटिक शासन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो शासन चल छि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अलगा पटे तमे शासन अलगा चेटी केते बेले आर्मी शासन करू छथि किंतु जे तुम पचारिबो व्हाट टाइप ऑफ रूलिंग इज देयर इन पाकिस्तान इट इज थियोक्रेसी थियोक्रेसी मींस रूल बाय द कुरान रूल बाय द रिलीजन रिलीजन को बेस करके शासन चले कहू जाय थियोक्रेसी तो पाकिस्तान रे थियोक्रेसी शासन चले छि देखो मैक्सिमम टाइम कोन जाय ना आर्मी कंट्रोल करे पाकिस्तान रो एडमिनिस्ट्रेटिव हमर लेजिस्लेचर रहला एग्जीक्यूटिव रहला जुडिशियरी रहला हमर कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास रे जुडिशियरी केबे इंटरप्रेट करनी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव रे इंटरफेरेंस जेतेबेले वार डिक्लेअर कला हला माने सेतेबेले मन रख एग्जीक्यूटिव पावर कासि गेला किंतु पाकिस्तान रे एबले प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन सेटमार्क रहै छि जुडिशियरी टोटल हैंडल करले भी मध्य एडमिनिस्ट्रेटिव कोन कर छि तार रिपब्लिकन कैरेक्टर को टोटल स्पॉइल कर दिया अपन तंत्र कि जे स्टेट मान को ऑटोनॉमी दिया जाय छि तोटे कि हमें देखबो जते जनरल खुले आ पाकिस्तान रो सब माने मिनिमम क्रिमिनल जनरल कोन कर छि पावर पाइ छै ओ बेसिक मेजरिस को लेके अनुसार तंत्र बजे जने डिक्लेअर कर छि जे आर्मी चीफ थिले तो पाकिस्तान में जेतेबे किले बन रख के जो एग्रीमेंट हला दासकेंट रे सले तो हमरो बांग्लादेश रे 1970 को हमें आसीले विशेष करी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान भीतर जो कोन से प्रकार रिबेलियन लाइक सिचुएशन आसीला पाकिस्तान रूलर्स वर नॉट एक्सेप्टिंग टू विलिंग टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट हमरो बांग्लादेश रे चीफ सुप्रीम थिले सेतेबे किए शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान जो मान को हमरो विशेष कर ताकर कंट्रीब्यूशन थिले जेंती क्रिएशन शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश रे थिले ईस्ट पाकिस्तान देखा तेलु इंस्टेड इन इयरली ईस्ट पाकिस्तान अपर पे एपोर्ट रहेगा वेस्ट में देखो इंस्टेड इन इयरली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीबुर एंड अनलिस्ट ये रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन रेस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड ए सिंगल स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश को जमीदी पाकिस्तान को लिबरेट करे From 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in a neighboring area in India. India extended moral and material support to the freedom struggle in Bangladesh. Pakistan accused India of a conspiracy to break it off. हाँ मिले? जेतेबेले पाकिस्तान और बांग्लादेश भीतर कौन से प्रकार डिस्क्रिमिनेशन वाले आराइज कर छि बेसिकली पाकिस्तान रो मैक्सिमम कर गेले रिफ्यूजी माने एंट्री करले इंडिया तमे देखिबो पारादीप एरिया रे जो माने विशेष करे माने रिफ्यूजी बेंगली गो इबेरे मैक्सिमम रहै छै जे बंजर से माने कोन करले इंडिया भीतर एमए विषय से पेलो नै कि कहै छै मैक्सिमम रहै छै ताकि इबेरे रिसेटलमेंट करा जाउ आ बहुत समय बीजेपी भी जते बे इलेक्शन को न आस्तला कहुला जे रिफ्यूजी रो प्रॉब्लम क्रिएट जो होउ छै सेटा कोन से प्रकार के सेटलमेंट करिबो कि एमए विषय से सेटलमेंट हेइ गेलै तेणु 80 लाख जो नियर अबाउट रहिले के रिफ्यूजीज माने से माने कोन कोले एंट्री करले इंडियन बॉर्डर रे तले पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट ऑफ पाकिस्तान सब बड़े आर्गु कला एटा कॉन्स्पिरेसी रहउछि अर्थात षडयंत्र रहउछि कार ना इंडिया रो का तुना पाकिस्तान को अच्छा सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना द यूएस चाइना ये अप्रोचमेंट दैट बिगन इन द लेट 1960s रिजल्टेड इन ए रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन एशिया Henry Kissinger, the advisor to the U.S. President Richard Nixon, made a secret visit to China and Pakistan in July 1971. In order to counter the U.S.-Pakistan-China axis, India signed a 20-year treaty peace friendship with the Soviet Union in August 1971. This treaty assured India of Soviet support if the country faced any attack. Take a bullet. Get a bullet. 1971, what happened? Take a analyze, Kariba. जेते बेले यूएस पाकिस्तान आउ चाइना से माने गोटे मित्र दृष्टि करे जदिओ इंडिया पाकिस्तान रो वॉर लाइक सिचुएशन हैला जेते बेले सोवियत यूनियन कोन कला इंडिया सहित गोटे ट्रीटी कला 20 ईयर ट्रीटी आज फ्रेंडशिप
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଏ କିଛି ଆଟାକ୍ କରେ ଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଲିଡ୍ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ ହେଇ ରହିଛି। 20 ଇୟର ଟ୍ରିଟି ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରିଲେସନକୁ ବେସ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସୋଭିଏତ ରଷିଆର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏବେ ବି ବଜାଇ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେତେ ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ କରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେରିକାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେ ଚାଇନାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ, ଚାଇନା କେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବେସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଫେକ୍ଫୁଲି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା 1947। ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଇଣ୍ଡିଆ କି ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯୋଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦାଟ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନୀତି ଆୟୋଗ କହୁଛି, ଦାଟ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ବରୋଡ ଫ୍ରମ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ। ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସୁପର ପାୱାର ହେଇଛି। ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର 37 ଇୟର ଭିତରେ ସୁପର ପାୱାର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭେକୁଲାର ଆସୁଥିଲା ସବୁ, ବିଶେଷ କରି ରୋଲର ଗୁଡାକ ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ ଆସୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଟିରେ ଦବିଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ନାହିଁ। ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ହଉ କି ପାକିସ୍ତାନ ହଉ କି ଚାଇନା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବା ଦୂତାବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖିନିଅ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭୟ କରୁଥାଏ, ଯଦି ଚାଇନା ଭୟ କରୁଥାଏ, ଯଦି ଆମେରିକା ଭୟ କରୁଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ରିବଣ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରହିଛି କାହା କାହା ଭିତରେ, ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ପ୍ରଫିଟ କଥା, ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାଇନା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ପାକିସ୍ତାନ ବି କମ୍ତି ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ, ସ୍ୱରାଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଉପରେ କନ୍ସର୍ନ, ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଅଛି, ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ ବି ଅଛି। ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ ର ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ପଳେଇଗଲା କୋଉଠି କି ଏସିଆରେ, ଆଉ 35 ରହିଲା ୟୁରୋପ, ୟୁରୋପରେ ରହିଲା। ତମେ କହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆଟିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାରିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ସୁପର, ଗୋଟେ ହେଲା ଚାଇନା, ଗୋଟେ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସରେ ରହିଗଲେ, କିଏ ରହିଗଲେ, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା କିଏ ଆମେରିକା, ରହିଲା ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପୋଲାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁକୁ ବେସ୍ କରି, ତମକୁ ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଫରେନ୍ ପଲିସି ପଳେଇ ଆସିବ। ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ 35 କଣ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନକୁ ନଚଉଛନ୍ତି, ସେ କାହାର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଆମେରିକାର। ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନକୁ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରି ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ସୁପର ପାୱାର କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ କଲା ଚାଇନାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ, ସେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସପୋର୍ଟ କରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ୟୁକେର ଡୋମିନ ସରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡୋମିନେନ୍ସ ଆସିବନି। ଏବେ ଭାବିନିଅ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଛି ରଷିଆ ସହିତ, ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଆମର ରଷିଆର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଟୋଟାଲି କେତେଟା, 13ଟା, 13ଟାରୁ ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନରେ ରହିଲେ କେତେ, ଆମର 7ଟା, ଆଉ 6ଟା ହେଲା ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି। ସେ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ନାଟୋରେ ମିଶିଯିବୁ, ନାଟୋରେ ମିଶିଯିବୁ, ଭାବିନିଅ। ସେ ଯୋଉ 6ଟା ଯଦି ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ନାଟୋରେ ମିଶିଗଲେ, ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନର ସିକ୍ରେଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେରିକା ଜାଣିବନି କି, ଭାବିନିଅ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛ, ଏଠି ବହିଛ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିରିୟଡ୍ରେ ଅଛ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିରିୟଡ୍ରୁ କଣ କଲ, 15ଟା ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇ କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଜଏନ୍ କଲ, ଏବଂ ସେଠି ଦରକାର ସିଗ୍ନେଚର ବା ଆପ୍ରୁଭାଲ କାହାର, ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କର। ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କର ତମକୁ କେବେ ଜାଣିବେ, ୱାର୍ ହେଇଯାଉ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ସିଗ୍ରେଟ୍ ନଯାଉ, ଅଟୋମେଟିକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା, ନହେଲେ ୟୁରୋପିଆନ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସମସ୍ତେ ଇଏ, ୟୁକ୍ରେନ ବି ମଜବୁର ପାହାରକୁ ରୁଷିଆ ବି ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଚେଚିନିଆ ବି ପାହାର ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, ପୋଲାଣ୍ଡ ବି ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ରଷିଆ ଲଢୁଛି। କଣ ପାଇଁ ରଷିଆ ଲଢୁଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନରେ କଣ ହବ, ମିଶିଯିବ କୋଉଠି ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେରିକା ଯୋଉ 2200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମେରିକା ଯୋଉ 2200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ସେ 220 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସ୍ପିଡିଂ ନୁହେଁ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ପାଇଁ, ଭାବିନିଅ, ଚିଡିଆଖାନାରେ ନାଗସାପ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ନାଗସାପ ଯଦି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ପାଖରେ ଆସି ବସା କରି ରହିଲା, ଆମକୁ ଭୟ ନୁହେଁ, ଦିନେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ବସିବ, ପୁଣି ତା ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ଆମ ଘରେ ବସିବେ, ଦାଟ ଇଜ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍। ତେଣୁ ଫରେନ୍ ପଲିସିର ରୁଲ୍ ହେଉଛି କୋଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ବାଇଲେଟରାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଇଜ୍ ବିଲେଟରାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଦାଟ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି।
इंडिया रो जो फॉरेन पॉलिसी रो मेंटर होचो जवाहरलाल नेहरू इंडिया रो फादर ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहे जवाहरलाल नेहरू एवं इंडियन फॉरेन पॉलिसी रो फर्स्ट री अप्रोचर होचो केपी मेनन जे कि आईडिया दे दिले प्रकृत रे चाहिले जदी हमें वर्ल्ड पीस करिवो इंडिया जदी वर्ल्ड रे सर्वाइव करिवो से ऑलरेडी देखी जाई छथि दैट इज नीड ऑफ अ रिलेशनशिप विद सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन से सब वर्ल्ड में रिलेशनशिप रहि तीनटा ब्लॉक रहले सब वर्ल्ड में हमें चाहिबा पीसफुल सेटलमेंट जदी हमें पीसफुल सेटलमेंट चाहिबा हमें चाहिबा वर्ल्ड ओवर कोटी पड़ी लगा पड़ी लगे दरकार कि इंडिया बर्तमान नेगोसिएशन मूड रे रही इवन तुम मानक भितर जदि ही मन रख कौन तुम तो लुक ईस्ट पॉलिसी ना से बिजी अच्छी लुक ईस्ट पॉलिसी लुक वेस्ट पॉलिसी ये पॉलिसी की जब देखा इंडिया बर्तमान जो फॉरेन मिनिस्टर अच्छा फॉरेन मिनिस्टर किए जयशंकर जयशंकर अच्छा सी चाहते वर्ल्ड ओवर इंडिया फील्ड कमी क्रिएट कर ये जो बर्तमान देखे नि अमर इजराइल पालेस्टाइन का गाजा जो वार चली छि यूक्रेन रशिया वार चली छि ता ऊपर बदर डिपेंड कर छि इंडिया फॉरेन पॉलिसी ये फॉरेन पॉलिसी रे वर्तमान हमें कहबा सुपर माइंड जतियो हाईली के लेवल रो टैलेंट नहीं नरेंद्र मोदी कर ठीक ता पर्सनल सेक्रेटरी माने जो बना छथि मिश्र होई के इते आइडियोलॉजिकली क्रिएट से मन त के एमिटी एंथुसिएज्म दउ छथि एमिटी बूस्ट कर छथि वर्तमान वार के सिग्नल रे समस्त मोदी का नोट उपस्थित छथि इवन पर्सनली इनवाइट कर छथि मोदी ताके पर मेबी ये चैलेंज करले हमें फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप के एस्टैब्लिशमेंट करले हम गोटे नाम बदले पचारिलो विशेष गोटे स्क्वायर पैटर्न रहले कोन अमेरिका अमेरिका अलायड विश्व स्तर रे गोटे गोटे अमेरिका अछि एवं ता मित्र गोष्ठी अछि आ गोटे गोटे सोवियत यूनियन अछि एवं ता मित्र गोष्ठी अछि सब राष्ट्र कोन चाहिबे हम तुमको सहायता करू जो माने न्यूट्रल रहबे त हम आपड़ पढ़े बुझि बजर नै पढ़े सब ऑटोमेटिकली जते बले न्यूट्रल छि कहि बिकोटे लेख दि जन पर कळी लगी छि हम कहि इंपार्शियल के मेंटेन करिया भलो ना गोटे गोष्ठी के सपोर्ट करिया भलो इंपार्शियल मेंटेन करबा तो नाम होची गोटे आइसोलेशन न्यूट्रलाइजेशन एजेंसी नाम रो मुख्य उद्देश्य होची कोना गोटे होची सोवियत यूनियन ब्लॉक गोटे होची अमेरिका ब्लॉक से दीटा ब्लॉक को सपोर्ट करबिनि सपोर्ट करबिनि इन सेंस जदी हमें परस्पर को सपोर्ट करले ताले गोटे प्रकार वर्ल्ड लाइक सिचुएशन क्रिएट हबो वर्ल्ड लाइक सिचुएशन क्रिएट हबो छोटी कोन हबो छोटी रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड टोटली विश्व भी ध्वंस हो जाय करे तनु ए जो नाम क्रिएट करले एटी मास्टरमाइंड के दिले जवाहरलाल नेहरू के इंडिया प्राइम मिनिस्टर आउ के दिले सुकर्णो ऑफ इंडोनेशिया आउ के दिले नाम रो के दिले मेंटर जवाहरलाल नेहरू दिले इंडोनेशिया रे सुकर्णो दिले आउ के दिले विशेष करी तेमटा पार्टी सुपर दिला इंडोनेशिया युगोस्लाविया इंडिया युगोस्लाविया युगोस्लाविया इंडोनेशिया आउ इंडिया ये माने कोन कले ताकर बेसिकली कन्फर्मेशन आनिले जे विश्व स्तर रे आमे गोटे एबली प्रकार ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करिबा जो ऑर्गेनाइजेशन टोटली आइसोलेटेड के रहिबो जे दीटा पावर ब्लॉक को सपोर्ट करिबनी न्यूट्रल लाइट आमे कोन करिबा मेंटेन करिबा हैला युगोस्लाविया रे के मार्शल प्लेटो इंडोनेशिया रे के सुकर्णो इंडिया रे के जवाहरलाल नेहरू एवं एटी मन रख बहुत भी किछि विभिन्न रोल रही किए आम ओडार सुप्रीमो किए से जुगर भूमिपुत्र आवर्ड किए कही स्टूडेंट नहीं ये सब गुडा देख इंडोनेशिया विजु पट्टनायक को अवार्ड मिलता विजु पट्टनायक को अवार्ड मिलता जिते बड़े इंडोनेशिया रा आमा नाम कॉन्फ्रेंस आसीला रिलेटेड रिलेटेड को दिखे खाली शॉर्ट रे पाई दउची मते नेक्स्ट क्लास कहबो ईगल ऑफ द डैश अब पिले आमे देखिबा आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशंस एंड मिलिट्री बिल्ड अप A full-scale war between India and Pakistan broke out in 1971. Pakistani aircraft attacked Punjab and Rajasthan while the army moved on the Jammu and Kashmir front. India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy, and the army on both the western and the eastern front. Welcomed and supported by local population, the Indian army made rapid progress in East Pakistan. Take a bullet.
इंडिया रो जदी आर्मोरी सेक्टर को देखा जाए नेहरू का युग रो हमें देखे देखे आसीबा विशेष करी विशेष कर नरेंद्र मोदी का युग आ भीतर मैक्सिमम ट्रेडिशनल वेपनरी कोड हमरो आसी छ गोडो सोवियत रो जेतबे कारगिल वार हैला सेतबे जो ट्रेडिशनल वार लाइक ऑपरेशन आर्मामेंट गुडा फंक्शन कलानी तार कारण कोन सेतबे से ट्रेडिशनल वेपनरी दिला अगेबे भी तमे देखा तुले कि जो यूक्रेन रशिया वार चली छी के वार का गोटे प्रकार होछि टेस्टिंग कोन टेस्टिंग न्यूक्लियर आर्मामेंट जेते ट्रेडिशनल वेपन गुला कर सोवियत रशिया रो से सॉरी होला आ वेस्टर्न कंट्री रे जेते ट्रेडिशनल वेपन चली होला एबे मॉडर्न इक्विपमेंट के से बारे एडवांस कर जन एको मॉडर्न इक्विपमेंट कोन करिवो बहुत बड़ डिजास्टर आ चलो पिले हमे देखिबा जेते बेले इंडिया पाकिस्तान वार दिला तमु को मुबी स्टार्टिंग रे गोटे कथा कहि देली जेते बेले पाकिस्तान जे वार अपन पर किछ पछुआ नखिला पिले पाकिस्तान भी बहुत एडवांस थिला इवन पाकिस्तान में जो थिला पाकिस्तान का जो आर्मरी गुडा का थिला पिले मैक्सिमम थिला मेड फ्रॉम अमेरिका हमर जानि दिगो गोटे क्षेपणास्त्र होची सोवियत रशिया रा सबुठारो पावरफुल क्षेपणास्त्र होची स्कॉड एवं अमेरिका कोन करिवो ताको रिटेलिएट करिया पई गोटे क्षेपणास्त्र तयार कला ताना होची पैट्रियट स्कॉड रो पैट्रियट पावरफुल होची के अमेरिकन पैट्रियट सोवियत यूनियन अमेरिका भीतर तमे कंपैरिजन कर वर्ल्ड वॉर देखते हैं वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर को जीएस जो वियतनाम वॉर के दिला वर्ल्ड वॉर इंटरिम भीतर टोटली नॉट अ वॉर रही छे से नॉट वॉर और नॉट अ वॉर भीतर अमेरिका जीती थी पांचटा सोवियत यूनियन चारटा तमे ठीक कहि परबो सर अमेरिका काहे के पावरफुल सोवियत यूनियन काहे के पावरफुल में अमेरिका रे मन रख पिले 50 स्टेट इंक्लूडिंग अकलासा अकलासा जोटा अमेरिका बाउंड्री बाहर अछि किसे अमेरिका से मिसिके रहि छि से माने सो मटा सब पावरफुल किंतु सोवियत यूनियन रा कोन जो प्रजातंत्र गुडा रहले ताकर से माने एते पावरफुल नहुंती एवं डिसिप्लिनेटेड व्यू को पळै गेल एवं डिसिप्लिनेशन पछरे पिले बहुत गुडे कॉन्फिडेंस बने रहि छि ना अमेरिका हो देखो Within 10 days, the Indian army had surrounded Dhaka. From this side, the Pakistan army of about 90,000 had to surrender. With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire. Later, the signing of the ceasefire agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972 formalized the return of peace. Okay. India-Pakistan, we are going to know about similar agreement. अब सिमिलर एग्रीमेंट रे मेन मेंटर दि जन दिले इंदिरा गांधी डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू आउ जन दिले जुल्फिकार अली सब इंदिरा भुट्टो किसी जुल्फिकार अली भुट्टो रिप्रेजेंट कर दिले एवं 3rd जुलाई 1972 रे अपन सिमिलर एग्रीमेंट कंक्लूड करना सिला इंडियन सेनेटर ने कौन सा सिला एग्रीमेंट इंडिया-पाकिस्तान भीतर जो लाइन रहला सेटा रेड टेप लाइन इंडिया-बांग्लादेश भीतर जोटा राष्ट्रीय लाइन राष्ट्रीय लाइन का बोलते हैं इंडिया-बांग्लादेश भीतर नहीं सेटा 71 इंडिया चाइना भीतर जो बड़ा और इंडिया बेसिकली म्यांमार भीतर जोटा इंडो म्यांमार इंटरनेशनल लाइन इंडिया नेपाल भीतर के जो बॉर्डर गुडा का नेक्स्ट प्लस फॉरेन पॉलिसी सब के देखि के आसीबो आ माने मे जे एटा तंग पाले कंपल्सरी कि फॉरेन पॉलिसी सब जगह रहछ इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस रो पावरफुल चैप्टर होची फॉरेन पॉलिसी
यदि हमें पॉलिटिकल साइंस को ह्यूमन बीइंग कंसीडर करबा तार बैकबोन होची फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन को तरह जते जे रखी छी नॉलेज दैट इज नेटवर्क के तले देखिबा पले आज के डीसीसी विक्टर वर्ल्ड रेड टू नेशनल जुबिलियन जुबिलेशन मोस्ट पीपल इन इंडिया सो दिस एज अ मोमेंट ऑफ अ ग्लोरी एंड अ क्लियर साइन ऑफ इंडियास ग्रोइंग मिलिटरी पावर्स आज यू वुड रीड इन दिस चैप्टर इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर एट दिस टाइम she had already won the Lok Sabha election in 1971. Her popularity soared further after 1971 war. After the war, assembly elections in most states took place, taking large majority for the Congress party in many states. Ekha bile, Bartaman Jayanti, how are chali chi, Narendra Modi government ra, BJP government ra, foreign policy kare, jitabale Bangladesh war hela, apan India quit kala, Indira Gandhi kare, satabale kare, how are chali chi, policy astila, लोक मैंने कनसीडर करते इंडिया हिंदी इंदिरा इंदिरा इंडिया कहार उद्देश्य पीला रही कांग्रेस पार्टी सुपर थी मैक्सिमम मेजोरिटी भोट नहीं आंदिया हाज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस एंड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग डिरेल्ड द फाइव ईयर प्लान्स द स्कार्स रिसोर्सेस वेयर डाइवर्टेड टू डिफेंस सेक्टर स्पेशली आफ्टर 1964 आज इंडिया To embark on a military modernization device, right? The Department of Defense Production was established in November 1962. The Department of Defense Supplies in November 1965. The Khan Plan 1961 to 66 was affected and it was.